10 लोग हमको पूछ रहे हैं फोन करके कि हमारा खुद का रिवाज खराब करते आए। हम सोच रहे हमारा प्रोग्राम वाला बोले तबला कहाँ से बनाया। तो यही उजाला है और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों भाइयों और बुजुर्गों, आज फिर मुझे हमारे पंडित जी ने सुखदेव बनर्जी साहब ने फिर से मौका दिया है मुझे। तबला मैंने इनके लिए बनाया, दो तबले बनाए मैंने इनके। आज एक तो पहले ताले में है ये देखिए, और एक जो बहुत पुराना तबला है इनका। तो जरा मैं चाहूँगा पंडित जी आप जरा इसके बारे में बता दें, थोड़ा बता दें, बजाएंगे ही भले ही। वो आपका पुराना जो तबला, ये तो मैंने नया दिया आपको। ये तो काला शीशम का तबला बहुत है। देखिए है कितनी बड़ी हाइट है, मेरे को खुद को उठाने और काफी पुराना होगा मेरे बहुत पुराना। कम से कम नाना करके नियारा टू होगी आपका 80 years। ये तो गुरु जी ने दिया था ना, ये 80 बरस पुराना तबला दिया था। मतलब ऐसा ही इससे भी लंबा एक तबला है वो जो कलकत्ता में है। अच्छा, वो विजय सर का है। वाह, बहुत बड़ा वो, उसको भी आप, ये आपके गुरु जी ने दिया। ये बताइए ये तबला हमारे मरहूम जो स्वर्गीय खानदानी हमारे कामता प्रसाद गुदई महाराज जी, उन्होंने इनको देखिए एक ऐसा तोहफा दिया है इनाम में जो सारी जिंदगी ये चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप के शिष्य भी इसको यूज करेंगे, आपके बच्चे भी यूज करेंगे। हाँ, अगर लायक हो तभी तो। बिल्कुल, नहीं तो नहीं दूंगा, चाहे बच्चे भी हो नहीं तो नहीं दूंगा मैंने। ये तबला तो हमारा जान है, जान से भी प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा तबला आपको ये बॉडी वाइज ये सही है ना जो आपको ये जो बना है, क्या बात है, क्या खुशबूदार। इसके लिए तो मैं आपको इनाम भी दूंगा। क्या बात है, है ना, क्या तब। और इसके अंदर जो एक क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें क्या है ना, ये जो डग्गा मेरा नहीं है। जी जी, ये मेरा डग्गा थोड़ा सा लंबा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारा सेट हो जाता है। बिल्कुल, लंबा डग्गा और थोड़ा सा, बिल्कुल, रिवाज करने के लिए लंबा तबला होना जरूरी है, बजाने के लिए ये जरूरी है। ये बोलना नहीं चाहिए। तो भाइयों दोस्तों देखिए, आज मैं चाहता हूँ कि आज से फिर मुझे मौका दिया है और अच्छा लग रहा है, बार बार मुझे मौका मिलता है पंडित जी का। तो आज थोड़ा सा पंडित जी से मैं गुजारिश करूँगा कि जो मैंने तबला बनाया है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। बहुत अच्छा, ये काले का तबला बनाया आपने, ब्लैक वन स्केल का जी। और क्या लकड़ी दिया, क्या बात है, क्या ओजोन है लकड़ी का। आज के दिन में लकड़ी मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत मुश्किल है। ये एक्चुअली ये दादा ये जो है ना ब्रॉन्ज शीशम है, ब्राउन शीशम है, ओरिजिनल ब्राउन शीशम है। दूसरा बात है ये आप तबले का मतलब मामला अंदर से एकदम पूरा इतना गहरा में घुस के आपने है, जिसलिए आप जानते नहीं था कि कौन जानते। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है मेजरमेंट करना, तबला उसका सही साउंड लाना, सही साउंड किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तबला बनाना तो बहुत दूर, लकड़ी मुश्किल होता है पहचानने, पहले इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि लकड़ हमारे लिए सही है या सही नहीं है, क्या नहीं है। बहुत बढ़िया जी, ये सब आपने बहुत किया, इसलिए आपका अनुभव आज के डेट में आप तो अनुभव ही बहुत है ना। इतना किया, इतना सबको किया, बड़े बड़े लोगों को तबला बनाया। देखिए ये सब बुजुर्गों की चीजें हैं। हाँ, बुजुर्गों की चीजें, बुजुर्गों की चीजें, उन लोगों को ही प्रसाद है। हाँ, बिल्कुल, हम लोगों को जो मिला, बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद जो बस यही सभी चीजें जो है ना ये यादगार बन जाती हैं बुजुर्गों की, जो दी हुई एक अमानत है उनकी। क्या सब वो सब तो आप यही सब चीज, यही सब जो उन लोग सिखाया बटा हम लोगों को, बिल्कुल, और हम लोग सेवा करके जो मिला जी, चाहे आपका तबला हो, चाहे जो भी हो, वो सब
तो उसको मतलब वही अभी तक वही चल रहा है और वही सुन रहे लोग सब कुछ, नहीं तो कहाँ होगा सब। दादा कोई अपनी पसंदीदा जो आपको जो ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा जो कायदा लगता हो कि भाई ये कायदा मुझे बड़ा पसंद, एक छोटा सा पानी जी का फेवरेट ये थोड़ा मैं गुरु जी को जो सुनते थे जी थोड़ा सा हमारा दिमाग से भी थोड़ा नया नया इम्प्रोवाइजेशन आ जाए, इसीलिए गुरु जी बोलते थे ये आप हमारा गुरु जी खुद भी बोलते थे ये अपना दिमाग भी लगा लेते थे। बिल्कुल क्या उनको देखो हर चीज नकल करके बजाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उसमें खराब हाँ, नहीं कुछ अपना भी अपना भी होना चाहिए। सब जानते हैं घर घर जानते और हल्का से ऐसा खुशबू आ जाते थे क्या बात है। क्या बात है, क्या मजा आता है इसमें से। पिताजी से बड़े अच्छे संबंध थे हमारे, जो हमारे हम उन्हें चाचा जी कहते थे, शांता प्रसाद महाराज जी तो पिताजी के बड़े अच्छे दोस्तों में से उनका रहा। बस इसी तरह से भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की सेवाएं भी करूं और सभी तरह का जो मेरा जो निमंत्रण है सभी तबले के जितने भी लवर्स हैं जितने तबला नमाज है उन सब से मेरी और ये सब तबले मिलती है, आप लोग आइए। ये तबला आपने ऐसे बनाया चाहे क्लासिकल में बजाए चाहे कमर्शियल में बजाए कुछ भी बजाए, ये देखिए क्या दमादम मस्त कलंगर।
खुल सभी तरीके का जो है ना अंदाज जो है सब तरीके का अंदाज है होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ये देखिए ये किस तरह से ये डग्गा बनाया जा रहा है, हैंड मेकिंग हो रही है। ये देखिए ये एक बच्चा हमारा पोता है ये, और ये इस तरह से हम अपने हैंड मेकिंग करते हैं, दिखाते हैं सभी को बताते हैं। ठीक है जी, तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों से बस मैं यही अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है जी, अच्छी बात है जी, नमस्कार।